मैंने इन सब को देखा है कि ली साजिदीन मेरे लिए झुके हुए हैं। 11 सितारे हैं, सूरज है, चांद है, मेरे आगे झुके हुए हैं। ये क्या ख्वाब है? क्योंकि बहुत अनयूजुअल ख्वाब थी। काला, अब्बा जान ने कहा, या बुनैया, ऐ मेरे बच्चे, ऐ मेरे बेटे, ला तक्सुस रुया का, ना बयान करो अपना ख्वाब, अला इख्वते का, अपने भाइयों के सामने, इस ख्वाब को अपने भाइयों के सामने मत बयान करो। क्यों? इसलिए कि बाप देख रहे थे कि भाइयों की आपस में कुछ बहुत बनती नहीं, भाई इससे कुछ जेलस हैं, और जब वो इसके अच्छे ख्वाब को सुनेंगे तो इसको परेशान करेंगे, इसको नुकसान देंगे। ये उन्होंने एक नुकसान से बचने के लिए तदबीर की थी, उस तदबीर के साथ नसीहत की जा रही थी, लेकिन अल्लाह की मशीयत के सामने ये तदबीर कुछ काम न की। याकूब अलैहिस्सलाम जिस बात से डर रहे थे आइंदा चलकर वही हो गई। या बुनैया ला तक्सुस रुया अला इख्वतिका, ऐ बेटे ये ख्वाब भाइयों का ना सुनाना, फयकीदू लका कैदा, वरना वो तेरे खिलाफ चाल चलेंगे। क्यों? इन शैतान लिल इंसान अदुव मुबीन, क्योंकि शैतान इंसान के लिए खुला दुश्मन, वो उसको बुरी चालें सुझाता है। और साथ ही ख्वाब की ताबीर भी बता दी, किस ख्वाब की ताबीर क्या है? वो कदालिका यजतबीका रब्बुका, इसी तरह चुन लेगा तुझको तेरा रब, यानी इस ख्वाब से पता चलता है कि तेरा रब तुझे चुन लेगा, किसके लिए? नबुव्वत के लिए, अपनी नेमतों के लिए। وَيُعَلِّمُكَ مِنْ تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ, और तुझे सिखाएगा अहादीस यानी बातों की तावील, बातों का मतलब बातों की तय तक पहुँचना, और दूसरा माना ख्वाबों की ताबीर। ख्वाब भी तो अहादीस ही होती है ना, बातें ही होती। وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ, और पूरा करेगा अपनी नेमत को तुझ पर, अपनी नेमत से मुराद नबुव्वत। وَعَلَى آلِ يَعْقُوبَ, और आले याकूब पर, कमा जैसा के, अतम्महा अला अबवई का, उसने पूरा किया उसको ऊपर तेरे दो बापों के। ये दो बाप कौन थे? मिन कबलो, इससे पहले इब्राहिम व इसहाक, इब्राहिम और इसहाक अलैहिमुस्सलाम, यानी जैसे अल्लाह ने उनको नबी बनाया था तुझे भी नबी बनाएगा। इन्ना रब्बका अलीमुन हकीम, बेशक तेरा रब इल्म वाला है, हिकमत वाला है। इस ख्वाब से हमें और हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की ताबीर से हमें ख्वाब की हकीकत पर भी कुछ रोशनी पड़ती। और यहाँ ख्वाब की हकीकत को समझने के लिए हम कुछ बात करेंगे। ख्वाब इंसानी जिंदगी में बाज़ुकात बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। हदीस के मुताबिक ख्वाब तीन तरह के होते हैं। नंबर एक, अपने ही दिल की बात, हदीस नफ्स, यानी जो बातें अपने दिल में होती हैं, मसलन बोझ है, हसद है, किसी के बारे में कीना है, या कोई ख्वाहिशात है, किसी से मुलाकात को दिल चाहता है, तो ये सारी जो दिल की बातें होती हैं वो रात को ख्वाब में पूरी हो जाती हैं, नजर आ जाती। और आज की नफ्सियात में भी इसको ऐसे ही इंटरप्रेट किया गया है कि बास ख्वाब इंसान की अपनी सोच को रिफ्लेक्ट कर रहे होते हैं, इससे ज्यादा उनकी कोई हकीकत नहीं होती। आप ख्वाब में ही सफर शुरू कर देते हैं और सोने में भी एक तरह से जाग रहे होते हैं। दूसरी किस्म की ख्वाब, शैतान का डरावा, शैतान के वसवसे, यहाँ से शैतान की एफिशिएंसी भी मालूम होती है। न सिर्फ ये कि वो जागते में आपको मुख्तलिफ बुरे ख्यालात सुझाता है, बल्कि सोते वक्त भी नहीं पीछा छोड़ता। और खुसूसन अगर इंसान आयतुल कुर्सी वगैरह न पढ़कर सोए तो शैतान पास ही मंडलाता रहता है और कोई मौका जाने नहीं देता, हत्ता कि ख्वाब में भी इंसान को डराता है। अच्छा, उस डरने में आप देखें कि मुख्तलिफ किस्म के डर होते हैं, कोई मार रहा है आपको, बाज़ुकात आप रो रहे होते हैं ख्वाब में, बाज़ुकात आपके ऊपर एक बोझ महसूस होता है कि आपका सांस नहीं आ रहा होता, ये सब तसर्रुफात शैतानी होते हैं। बाज़ुकात आप बहुत गंदा ख्वाब कोई देखते हैं, आप कहते हैं मैंने बड़ा गंदा ख्वाब देखा, तो ये भी दरअसल क्या है? शैतान। और तीसरी चीज, खुदा की बशारत, जैसे ये यूसुफ अलैहिस्सलाम की ख्वाब में थी। ऐसे ख्वाब की अलामत क्या होती है कि वो कोई अपनी सोच नहीं होती ना, कभी सोचा होता है, कभी दिल में ख्याल ही नहीं उस बात का गुजरा होता। अब एक आम इंसान के दिल में कैसे ये ख्याल आ सकता है कि सूरज मेरे सामने झुका हुआ, ये चांद झुका, और 11 सितारे, 10 भी नहीं 11 है। तो ये एक मीनिंगफुल ख्वाब है। ऐसे ही ख्वाब के बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की रिवायत है हजरत अबू हुरैरा से, कि लम यबका मिनन नबुव्वती इल्लल मुबशिरातु
قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحه। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बशारतों के सिवा नबुव्वत की कोई चीज बाकी नहीं रही, यानी नबुव्वत खत्म हो गई। अब क्या है, कुछ खुशखबरियां होंगी, ख्वाबों के जरिए लोगों को कुछ बातें बता दी जाएंगी। बाज़ोकत आप देखते ना कि एक चीज आप देखते और वही हो जाती, और जब हो जाती तो आप सोचते ओह ये तो मैंने कहीं पहले भी देखी थी, फिर सोचते कहाँ देखी थी तो याद आती तो ख्वाब में देखी थी, लेकिन आपको याद नहीं होता, जब वो हो जाता फिर याद आता है। तो फरमाया बशारतों के सिवा नबुव्वत की कोई चीज बाकी नहीं रही। सहाबा ने दरियाफ्त किया कि बशारतों से क्या मुराद है, आपने फरमाया सच्चा ख्वाब, मीनिंगफुल ख्वाब। और ये सच्चे ख्वाब बाज़ोकत फ्यूचर के बारे में कुछ इत्तला होते हैं, बाज़ोकत इंसान को मिलने वाली कुछ खुशखबरी होते हैं। ये जो सच्चे ख्वाब होते हैं ये नबुव्वत का आगाज भी होते हैं। अब तो खैर नबुव्वत खत्म हो गई ना, लेकिन तमाम अंबिया को वही से पहले सच्चे ख्वाब आते हैं। जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आपने पढ़ा होगा, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गारे हिरा में तशरीफ ले जाते थे तो आपको ख्वाब आया करते थे। हदीस है बुखारी की, अव्वलु मा बुदिअ बी अर्रुया अस्सालिहा, सबसे पहले जिस चीज से नबुव्वत का मेरी आगाज हुआ वो सच्चे ख्वाब थे, कि एक चीज को मैं रात को देखता था और सुबह बैन ही वही हो जाती थी। इससे प्रिपेयर किया गया, जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम को प्रिपेयर किया जा रहा है कि आइंदा अल्लाह ताला इनको किसी बड़े मकाम पे पहुंचाने वाला है, और वो बयान ही ऐसे हुआ, अगरचे 40 साल बाद हुआ लेकिन हो गया। इसी तरह आम इंसान और नेक इंसान, सच बोलने वाले लोग बसा औकात उनको भी सच्चे ख्वाब आते हैं। और एक ख्वाब मसलन हो सकता है आपने बचपन में देखा हो और वो अब आके पूरा हुआ हो। बाज़ोकत आप किसी इंसान को उससे मिलने से पहले ही ख्वाब में देख लेते हैं, और जब वो नजर आता है तो बिल्कुल वैसा ही होता है, हालांकि आपने उसको देखा नहीं और कहीं से आप उसको देख के आए भी नहीं, ना कोई तस्वीर देखी ना कुछ, लेकिन अल्लाह ताला वो नक्शा आपको ख्वाब के जरिए दिखा देता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी फरमाया, बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤيا الصالحه جزء من 46 جزءا من النبوه, कि सच्चा ख्वाब नबुव्वत का 46वां हिस्सा है। यानी जैसे अंबिया अलैहिस्सलाम को वही के जरिए खबरें दी जाती हैं, ऐसे ही आम लोगों को ख्वाब के जरिए कुछ यूं कह लें गैब की खबरें दे दी जाती हैं, फ्यूचर की खबरें दे दी जाती हैं। जैसे दूसरी रिवायतों में आता है कि नेक रविश, हिल्म और म्याना रवि नबुव्वत के कामों में से है, तो ऐसे ही ये। अब इसका यह मतलब नहीं कि जो हलीम इंसान है या नेक शख्स है वो नबी हो गया, नहीं, नबुव्वत उसको नहीं मिली लेकिन उसका अक्स या उसका जो मिजाज है वैसा ही है। अब यह है कि अल्लाह ताला ये ख्वाब क्यों दिखाता है बंदों को, और ये एक ऐसा अमल है कि जो इंसान जिस पे काबू नहीं पा सकता, जो इंसानी डिस्कवरी से बाहर है कि ऐसा क्यों हुआ। आप देखिए कि इंसान दो चीजों का मजमुआ है, एक उसका जिस्म है और एक उसकी रूह है। जहां ये दोनों आपस में एक दूसरे से मुआफकत करते हैं, एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, वहां ये एक दूसरे से कश्मकश भी करते हैं। बाज़ोकात गालिब आ जाती, बाज़ोकात रूहानी कैफियत जिस्म पर गालिब आ जाती। आमतौर पर दिन में जब हम दुनिया के काम कर रहे होते हैं तो हमारा जिस्म एक्टिव होता है, और उसका नतीजा क्या होता है कि रूह की जो कार फरमाई है वो जरा लो हो जाती। रात को जब हम सोते हैं और जिस्म हमारा बिल्कुल बेहिस हो जाता है तो फिर रूह जो है वो उभर कर आती है, उसकी कार फरमाई बढ़ती है, वो ज्यादा एक्टिव हो जाती। फिर आपको कुरान की वो आयत भी याद होगी कि जिसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब इंसान सोता है तो हम उसकी एक रूह ले लेते हैं, जिसको जिंदगी देनी होती है वो वापस लौटा देते हैं, वरना जो दूसरी बाकी होती है वो भी ले लेते हैं। अब ये जो रूह निकलती है ना एक हमारे जिस्म से, तो यूं लगता है कि जैसे वो मुख्तलिफ जगहों पे वांडर करती है, यानी घूमती फिरती, और बाज़ोकात दूर दराज पहुंच के मसलन किसी मुर्दे से जा मुलाकात करती, क्योंकि रूह तो एक लतीफ चीज है ना। जब माँ के पेट में बच्चे के अंदर आती है तो कोई पता नहीं चलता, जब निकल जाती है तो कोई पता नहीं चलता। इसी तरह रूह दीवारों के पार भी चली जाती है। कुरान पाक में आता है ना कि अइनमा तकूनु युद्रिककुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, यानी अगर बिल्कुल साउंड प्रूफ और हवा प्रूफ जगह पर भी कोई चीज रख दी जाए तो क्या होगा, रूह वहां से भी निकल जाएगी। यानी रूह के लिए ये मादी चीजें रुकावट नहीं है। अब आप देखिए जो लोग मर जाते हैं बाज़ोकात आपकी उनसे मदद देगी, कि ऐसा किस तरह पॉसिबल है, आप अपने बिस्तर पर लेटे हुए और रूहानी तौर पर आप ख्वाब में आप कहीं और पहुंचे हुए। बाज़ोकात आप देखते हैं कि मैयत आपको कोई चीज दे रही है, मैयत रो रही है, मैयत खुश है, आप उसको देखते हैं वो बड़े बाग में बैठी हुई है। ये आपने कहां से देख लिया, आप तो बिस्तर पर लेटे हुए थे। तो वो जो एक शऊर
सोते वक्त निकल जाता है, जिस्म से अलग हो जाता है, वो ट्रैवल कर रहा होता है एक तरह से, और वो ऐसी जगहों पर अल्लाह के इज़्ज़त से ही पहुंच जाता है और उसको वहां की मालूमात मिल जाती है। अच्छा, आपको याद होगा वो किस्सा जो शहीदों का वाकया मैंने आपको सुनाया था, इराक में जो साहबे कराम की कब्रों में से उनको निकाल कर दूसरी जगह पर दफन किया गया। हमने देखा कि मुस्तकिल कंटिन्यूसली 3 दिन ख्वाब आया एक शख्स, जब उसने इग्नोर किया तो बादशाह वक्त आजम को ख्वाब है और मुसलसल ख्वाब में वो अपना मैसेज कन्वे कर रहे हैं कि हमें वहां से निकालो, हमारी कब्रों में पानी आ गया। और ये बिल्कुल सच्चा वाकया हुआ, दुनिया ने जिसका मुशाहिदा भी किया। तो फिर आप इसको कैसे इंटरप्रेट करेंगे, वो शुहदा कहाँ मिले थे? तो बात यह है कि जैसे हमारी रूह ट्रेवल करती है, कहीं ऐसी जगह जा पहुंचती है, तो हो सकता है कि वो उस मकाम तक जा पहुंची हो। ये शहीदों की रूह तो आजाद होती है, उनको इजाजत मिल गई हो कि वो उन लोगों की रूह से जा मिले, क्योंकि सिज्जीन कैदखाने में तो होती है ना वो रूह, जिसको मुजरिम रूह जो होती है। लेकिन जो मोमिन की रूह है, खासतौर पर शहदा की रूह है, तो जन्नत में क्या कर रही होती है? घूम फिर रही होती, खा पी रही होती। तो ये बिल्कुल एक सच है और हकीकत है कि बसा औकात इंसान ख्वाब में ऐसे लोगों से मुलाकात करके उनके हालात को जान लेता है कि उन पे क्या गुजर रही है। मसलन उनको अजाब हो रहा है, ये आम बात है ना कि मैयत को जिस हाल में देखो उसी हाल में होती है। यानी अगर ख्वाब में देखे किसी ने अपने वालदैन को देखा कि वो बहुत रो रहे हैं फौत होने के बाद, तो क्या करना चाहिए? उनकी तरफ से सदका दुआ करनी चाहिए। ये भी अल्लाह की एक रहमत होती है कि उनको मौका दे दिया जाता है कि अपना मैसेज कन्वे कर दे एक तरह से। वो उसके दिल की बात नहीं होती, इल्ला ये कि आप किसी इंसान के बारे में बहुत बुरा गुमान रखते हैं और आप उसे देखते हैं कि वो रो रहा है या कुछ, लेकिन कई और लोग देखते हैं कि वो हंस रहा है, खेल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि फिर आप इन दो को कंट्रडिक्शन कैसे दूर करेंगे? तो फिर आप ये देखेंगे कि जिसने ख्वाब देखा है उसका अपना नजरिया उस शख्स के बारे में क्या था, क्योंकि उसकी अपनी बदगुमानी तो नहीं अंदर छुपी हुई थी कि जो सोते वक्त ऊपर उभर आई और उसने वो रूप उस तरह का दिखा दिया। फिर वो हदीस नफ्स में आ जाएगी, दिल की बात में वो चीज आ जाएगी। ठीक, तो नबुव्वत का जैसे अंबिया अलैहिस्सलाम को कुछ गैब की खबरें दे दी जाती थी, इसी तरह आम इंसानों को ख्वाब के जरिए कुछ गैब की खबरें दे दी जाती हैं। लेकिन किसी भी ख्वाब के सच्चा होने की आप कोई दलील नहीं रखते, एज सच वाजे बात ये नहीं कह सकते कि मैंने जो ख्वाब देखा वो बिल्कुल सच हो जाएगा, ये आप दावा नहीं कर सकते। नबुव्वत का तो दावा किया जा सकता है, लेकिन आप अपने ख्वाब का दावा नहीं कर सकते कि मैंने जो देखा है वो बिल्कुल सच देखा। हो सकता है आपको शैतान ने डराया हो, हो सकता है कि आपके अपने दिल की सोचें और ख्यालात उसमें आ रहे हों, और खसूसन उस वक्त जब दो मुतजाद आपको खबरें मिले। मसलन एक शख्स आपके पास आता है, वो कहता है कि मैंने आपके बारे में बहुत अच्छा ख्वाब देखा। दूसरा आता है कहते हैं कि मैंने आया और वो आपको हर कीमत पे खत्म होते देखना चाहता है। वो वैसे तो मार नहीं सकता आपको, लेकिन ख्वाब में मार लेता है, ख्वाब में आपका हाल बुरा देख लेता है। तो वो ख्वाब दरअसल क्या होता है? उसकी अपने नफ्स की बात होती है। इसी तरह बाज लोग जो झूठ से बचते हैं, धोखे से बचते हैं, जिनके अंदर मुनाफ़क़त नहीं होती, जिनके दिल बिल्कुल साफ होते हैं, उनको भी बाज़ औक़ात ऐसे ख्वाब आते हैं कि जो बिल्कुल वाज़े हकीकत एक तरह से नजर आ जाती है। लेकिन कोई शख्स ये खुद से दावा नहीं कर सकता कि जो मैंने देखा है वो मेरे दिल की बात नहीं और वो बिल्कुल बड़ी सच्चाई है, जब तक कि वो चीज अमलन सामने ना आ जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से है और बुरा शैतान की तरफ से। यानी अगर आप किसी को बुरा देख रहे हैं या किसी की बुराई देख रहे हैं, तो वो दरअसल क्या है? शैतान है आपके अंदर, जो आपको उस शख्स के खिलाफ या किसी खास वाकये के खिलाफ भड़का रहा है, और आप अपनी तसल्ली कर लेते हैं ख्वाब के जरिए। फरमाया, बस जब कोई शख्स पसंदीदा ख्वाब देखे तो उसे सिर्फ उस शख्स से बयान करे जिससे मोहब्बत और एतिकाद है। ये मेरा मशवरा नहीं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है आप सब के लिए। बुखारी और मुस्लिम की रिवायत है कि जब कोई अच्छा ख्वाब आप देखें तो क्या करें? उसको बताएं जिससे आप मोहब्बत रखते हो, वो आपसे भी रखता हो, और जिस पर आपका एतमाद हो। जैसे हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था बेटे को कि मुझे तो बता दिया, भाइयों का नहीं बताना। और जब मकरूह ख्वाब देखे तो हक ताला से उस ख्वाब के शर और शैतान के फितने से पनाह मांगे। जब बुरा ख्वाब देखे तो उस ख्वाब के शर और शैतान के फितने से पनाह मांगे कि शैतान बहकाने लगा इंसान को। अच्छा, आप देखेंगे बाज़ औक़ात ये होता है कि जिसे हमारा किसी से इख्तलाफ हुआ है, अकीदे में, घर के झगड़े में, किसी जाती उसमें, तो हम कमजोर होते हैं, मजबूर होते हैं, उसको कुछ कह नहीं सकते। तो फिर हम बाज़ औक़ात अपनी तस्कीन कैसे करते हैं? ख्वाबों में करते हैं।
मसलन एक लड़का किसी से शादी करना चाहता है और वो कर नहीं पाता, उसको वो रिश्ता मिल नहीं रहा, तो वो ख्वाब में देखता है कि उसकी शादी उससे हो गई है उस लड़की। तो बास ख्वाबों की नौयत बस सिर्फ इतनी होती, इससे ज्यादा उसकी हकीकत नहीं होती। अच्छा, बाज़ औक़ात जैसे किसी से जिद है, अदावत है, दुश्मनी है आपकी, अब आप उसको ख्वाब में बुरा देख रहे हैं, उसकी बुराई देख रहे हैं, तो ये दरअसल क्या है, शैतान का शर है जो आप पे गालिब आ गया है। आप उसकी बुराई चाहते हैं, वैसे कुछ कर नहीं पाते, मजबूर हैं आप, तो आप ख्वाब के जरिए वो अपनी तसल्ली कर लेते हैं। इसमें अब क्या समझना चाहिए कि ये शैतान है जो मुझे मजीद भटका रहा है, मजीद फासले पैदा कर रहा है। इसी तरह बाज़ औक़ात देखा गया है कि लोग दीनी मामलात में इख्तिलाफ पर इस्तिखारे शुरू कर देते हैं और फिर फैसला ख्वाबों से करवाते हैं। कैसे? एक शख्स जो कादियानियत से कुछ मुतासिर था, तो उसको बहुत कंफ्यूजन हो गई दीन के मामले में। वो इधर आता, इन्हीं मुसलमानों के पास आता, इनकी बातें सुनता, उधर जाता उनकी सुनता, वहां देखता तो कहते ये मुझे सही लग रहा है, इधर आता तो ये सही लग रहा है। किसी ने उसको मशवरा दिया तुम इस्तिखारा कर लो। नतीजा क्या निकला? उसने कुछ इस किस्म का ख्वाब देखा कि उसने कादियानियत इख्तियार कर ली। उसने कहा मुझे ख्वाब में इशारा हुआ कि कादियानियत सही मजहब। अब आप खुद सोचें कि क्या हक और बातिल का फैसला ख्वाब से होगा? किसी भी हक और बातिल का फैसला किस बुनियाद पर होता है? ख्वाब पर? क्या हमें ये तरीका बताया गया है किसी इख्तलाफ को हल करने का? ये बात मैं इसलिए आपसे कर रही हूँ कि कल खुदा न खास्ता आप किसी फितने में पड़े और कोई आपको मशवरा दे कि तुम इस्तिखारा करो कि कुरान पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। मसलन आप ही को कोई कहे कि तुम पहले इस्तिखारा करो कि कुरान पढ़ना चाहिए कि नहीं, तो आप इस्तिखारा करेंगी? करना चाहिए आपको, क्यों? क्या हरज है कर लें? कभी चाहेगा शैतान कि आप कुरान पढ़े? और वो तो हर वक्त देख रहा होता है ना आपको, क्या करने जा रही है, कहां से पकड़ू इसको, दाएं से आता है, बाएं से, आगे से, पीछे से, 24 घंटे उसका काम ये है कि वो प्लान करता रहता है कि किधर से भटकाऊं इसको। तो जब उसको पता चलता है कि आप अपने दीन के बारे में, अपने काम के बारे में जरा शक में पढ़ने लगे हैं, तो वो और वार मजबूत कर देता है और फिर ख्वाब में आकर परेशान करके आपको अपने रस्ते पर ले जाता है। और आप कहते नहीं मैंने तो ख्वाब देखा और मेरा ख्वाब बहुत सच्चा है और मैं तो अच्छा। बाज़ लोग नमाज तक छोड़ देते कि मुझे किसी बुजुर्ग ने ख्वाब में इशारा किया है कि तुम पर नमाजें माफ हो गई हैं। जी हाँ, कई बुजुर्ग आपको ऐसे भी मिलेंगे। आपने नहीं कभी सुना इस तरह की बात के लोग कहते हैं कि फलां तो इतने बड़े बुजुर्ग हैं उनकी तो नमाजें भी माफ है। ये भी कॉन्सेप्ट हमारे माशरे में पाया जाता है, उनको इशारा हुआ। अच्छा, बाज़ औक़ात ख्वाब में आपको बिल्कुल एक मुशरिकाना काम करने का इशारा होता है, तो आप कहते हैं जी मुझे तो ख्वाब में इशारा हुआ, एक बुजुर्ग थे उन्होंने मुझे कहा कि तुम जाओ और फलां कब्र पे सजदा करो। जी हाँ, ऐसे ख्वाब भी लोगों को आते हैं और वो चल पड़ते हैं उठ के कि मुझे तो बुजुर्ग ने इशारा किया ख्वाब में। अब क्या इस ख्वाब की वजह से आपको एक शिर्क का काम कर लेना चाहिए? क्यों? ख्वाबों का हर रोज हमारी जिंदगी में एक असर होता है और हम बहुत ही उसके जरिए गुमराह होते हैं, कभी परेशान होते हैं, कभी बहुत हाई हो जाते हैं, कभी कुछ। तो इनके बारे में हमारा नजरिया क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? जो शख्स दीन पढ़ता हो उसे ये मौजू उसके जहन में बिल्कुल शीशे की तरह साफ होना चाहिए, वरना बहुत सी खराबियां हो जाती हैं। जितने भी गुमराह फिरके हैं, जितने भी भटकने वाले लोग हैं, उनकी बुनियाद अक्सर कुरान और सुन्नत की दलील पर नहीं होती, ख्वाबों पर होती है। हमने ख्वाब में ये देख लिया, हमने वो देख लिया, ये इशारा हुआ, वो पढ़ने को कहा गया, और लोग ख्वाब को वही इलाही समझ कर कुरान और हदीस के वाज़ह अहकाम झुटला कर उसके पीछे पड़ जाते हैं। मसलन आप बैठी है कहीं, तो कोई आपकी पुरानी दोस्त आती है और वो आपको आके बड़ी संजीदगी से कहती है देखो मैंने तुम्हारे बारे में ख्वाब देखा, बड़ी परेशान, मैंने ये देखा है कि ये जो तुम रोज कुरान पढ़ने चली जाती हो ये तुम्हारे हक में अच्छा नहीं होगा, ये तुम्हें भटकाया जा रहा है, तुम्हारी आखिरत का नुकसान है। आप कहाँ उठते? अच्छा, उस वक्त आपको ये कुरान की आयत बिल्कुल भूल जाएगी, हुवा खैरुम मिम्मा यजमाउन, बिल्कुल भूल जाएगा, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान वअल्लमहु, और इन दोनों चीजों के ऊपर वो ख्वाब ईमान का दर्जा रखेगा। हालांकि ये सिर्फ एक शैतानी वसवसा और शर है कि आपको आपके रस्ते से हटा दिया जाए, क्योंकि शैतान इंसानों के रूप में भी आते। सूरह अलरा وكذلك جعلنا لكل نبي شياطين الجن والانس يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوا فذرهم وما يفترون। और आपसे पूछा गया कि क्या इंसानों में से भी शैतान होते हैं, तो आपने फरमाया हाँ, इंसानी शैतान दूसरे शैतानों से भी ज्यादा सख्त होते हैं। कहाँ रहते हैं ये इंसानी शैतान? हम तो कहें अच्छा आज तक हमने तो कोई नहीं देखा। ये ऐसे ही लोग होते हैं ये जो शैतान के रूप में आकर आपको नेकी के रस्ते से हटाते हैं। तो इन सारे फितनों और वसवसों से होशियार रहना चाहिए। अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से है, बुरा शैतान की तरफ से।
पस जब कोई शख्स पसंदीदा ख्वाब देखे तो उसे सिर्फ उस शख्स से बयान करे जिससे मोहब्बत और एतिकाद है, और जब मकरूह ख्वाब देखे तो हक ताला से इस ख्वाब के शर और शैतान के फितने से पनाह मांगे। और ये भी मुनासिब है कि शैतान को दूर करने के लिए अपनी बाई जानिब 3 दफा थुत्कार दे। यानी अगर आप ख्वाब में डर गए, कोई बुरा ख्वाब देख लिया, तो फौरी तौर पर आंख खुल जाती है ना, फिर आप और सो नहीं सकते, एकदम हैबत से आप जाग उठते। जब जागे तो सबसे पहला काम क्या करें, बाई जानिब 3 दफा थुत्कारे और फिर अल्लाह ताला की पनाह तलब करें शैतान मरदूद से, और इस ख्वाब को किसी से बयान न करें। इस तरह ये ख्वाब आपको कोई नुकसान नहीं देगा, कुछ नहीं होगा उसके बाद। क्या काम करने, थुत्कारना 3 दफा, औजुबिल्लाह पढ़नी है और किसी को बताना नहीं है, कुछ जिक्र नहीं करना। इसी तरह अगर उस ख्वाब के बाद आपको वहशत आने लगे और परेशानी होने लगे तो आप क्या करें, ये दुआ पढ़ें, औजु बिकलिमातिल्लाहित्तामति मिन गदबिही व इताबिही व शर्र इबादिही व मिन हमजातिश्शयातीनी व अन यहदुरूनी। क्या तर्जुमा इसका, मैं अल्लाह ताला के कलिमात के साथ उसके गजब अजाब और बंदों के शर से पनाह चाहता हूँ। कितनी खूबसूरत दुआ है, उसकी गजब यानी अगर अल्लाह की नाराजगी है तो उससे भी, अजाब और बंदों के शर से पनाह चाहता हूँ, और शैतानों के वसवसों से, नीज इस बात से भी कि शैतान मेरे करीब भी फटके। इसी तरह एक और दुआ है, औऊज़ु बिकलिमातिल्लाहित्तामाति अल्लती ला युजावज़ुहुन्न बिर्रुन वला फाजिरुन मिन शर्रि मा यन्ज़िलु मिनस समाई वमा यअरुजु फीहा वमिन शर्रि मा ज़रअ फिल अर्दी وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمِنْ شَرِّ فِتَنِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَمِنْ شَرِّ تَوَارِقِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ إِلَّا طَارِقًا يَطْرُقُ بِخَيْرٍ يَا رَحْمَانُ। अगर कभी ऐसी कोई चीज जहन में आने लगे, डर आए सोते वक्त सोने से पहले, या सोते में आंख खुल जाए और नींद ना आई और तरह तरह के तवहमात और वसवसे आए। अच्छा, बाजू का तो आपने देखा होगा कि कोई एक ख्याल आपको आता और फिर वो इतना गालिब आता कि आपकी जान छुड़ानी मुहाल हो जाती, यही वसवसा होता है ना दरअसल। इसको आप पढ़ें, फौरी बेहतरी होगी इंशाल्लाह। तर्जुमा मैं इस दुआ का सुना देती हूँ आपको, मैं अल्लाह ताला के इन तमाम कलिमात के साथ पनाह चाहता हूँ जिनसे ना तो कोई नेक बढ़ सकता है ना कोई बुरा शख्स, यानी कोई चीज आपको मिलेगी। हमेशा याद रखिए, बी केयरफुल, कोई शख्स अपना ख्वाब सुनाकर आपको भटकाने का जरिया ना बने, किसी के ख्वाब सुनकर आप अपने मकसद से ना हटें। नेकी वो है जो अल्लाह ने वाज़े अल्फाज में फरमा दी, ख्वाब शरीयत नहीं बदल सकते, ख्वाब शरई हुक्म में तब्दीली पैदा नहीं कर सकते कि कोई आपको आके कहे कि मैंने ख्वाब देखा है कि फलां को कहो कि आज के बाद सदका खैरात की जरूरत नहीं, वो पिछला ही दोबारा दोबारा काउंट हो जाएगा तुम्हारा। बुरा ख्वाब किसी से बयान ना किया जाए, इसके बारे में एक और हदीस है, खा अपने बारे में खा किसी के बारे में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, समरा बिन जुंदब से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज सुबह के बाद अमूमन सहाबा से दरियाफ्त फरमाते कि तुम में से किस किसने कोई ख्वाब देखा है, अगर किसी ने कोई ख्वाब देखा होता तो वो बयान करता, और हजरत मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताबीर बयान करते थे। ये बुखारी की रिवायत है। अच्छा, क्यों सुनते थे आप दूसरों के ख्वाब, ताकि उनके दिल का बोझ हल्का हो जाए और उनको फिर उसके मुताबिक कुछ रहनुमाई दी जा सके। लेकिन ये याद रखिए कि हर आलिम ख्वाब की ताबीर नहीं जानता और हर शख्स उसको सही तौर पर इंटरप्रेट नहीं कर सकता। रहो यूं काफी लोगों की गुमराही का सबब बने, ये किस्सा वहां जाने वाली कई खवातीन ने खुद सुना है। ऐसी कई चीजें आपको मिलेंगी। हमेशा याद रखिए, बी केयरफुल, कोई शख्स अपना ख्वाब सुनाकर आपको भटकाने का, सुनकर आप अपने मकसद से ना हटें। नेकी वो है जो अल्लाह ने वाज़े अल्फाज में फरमा दी, ख्वाब शरीयत नहीं बदल सकते, ख्वाब शरई हुक्म में तब्दीली पैदा नहीं कर सकते कि कोई आपको आके कहे कि मैंने ख्वाब देखा है कि फलां को कहो कि आज के बाद सदका खैरात की जरूरत नहीं, वो पिछला ही दोबारा दोबारा काउंट हो जाएगा तुम्हारा। बुरा ख्वाब किसी से बयान ना किया जाए, इसके बारे में एक और हदीस है, खा अपने बारे में खा किसी के बारे में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जब तक ख्वाब बयान ना किया जाए उस वक्त तक परिंदे के पांव पर मुअल्लक रहता है, यानी वो कहीं जम नहीं सकता। जैसे परिंदा हवा में मुअल्लक होता ना, तो ऐसे ही ख्वाब भी लटका रहता है, और जब बयान कर दिया जाए तो उसी तरह वाकई हो जाता है। बाज़ का झूठा ख्वाब लोग बयान करते हैं और वो वैसे ही उनके साथ हो जाता है। मसलन किसी को अपनी अहमियत जताने के लिए किसी के सामने की झूठा ख्वाब घड़ के बयान हो रहा है,
तो बाज़ औक़ात क्या होता है, वैसा ही हो जाता है। दूसरे के सामने बयान करने से क्यों रोका गया? इसलिए कि हो सकता है कि वो फौरी तौर पर कोई ताबीर बोल दे, तो जो ताबीर वो बोल देता है वो नफ्सियाती तौर पर भी इंसान को मार देती है। इसीलिए किसी का अगर ख्वाब आप सुने तो आप क्या करें, फौरी ताबीर न दें अगर उसके अंदर कोई खैर ना हो कि नहीं इससे तो लग रहा है तुम मरी जाओगे। नहीं, अगर वाकई उसका मीनिंग ये बनता भी हो कि मर जाएगा कोई, तो भी आप खामोश रहें, तो कहें कि सदका करो, अल्लाह से तौबा इस्तगफार करो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना ख्वाब दोस्त या आलिम के सिवा किसी को ना बताओ। इसको तिर्मिजी ने रिवायत किया है। अबू दाऊद की रिवायत में है कि आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपना ख्वाब किसी दोस्त या ज़ी राय के सिवा किसी को ना बताओ। ज़ी राय का मतलब है समझदार इंसान, जिसकी अपनी एक ओपिनियन होती है, सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं करता। समरा बिन जुंदुब से मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज सुबह के बाद अमूमन सहाबा से दरियाफ्त फरमाते कि तुम में से किस किसने कोई ख्वाब देखा है, अगर किसी ने कोई ख्वाब देखा होता तो वो बयान करता और हजरत मुखबिर सादिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी ताबीर बयान करते थे। ये बुखारी की रिवायत है। अच्छा, क्यों सुनते थे आप दूसरों के ख्वाब? ताकि उनके दिल का बोझ हल्का हो जाए और उनको फिर उसके मुताबिक कुछ रहनुमाई दी जा सके। लेकिन ये याद रखिए कि हर आलिम ख्वाब की ताबीर नहीं जानता और हर शख्स उसको सही तौर पर इंटरप्रेट नहीं कर सकता, इसलिए हर एक को मत सुनाने बैठ जाए। सबसे बेहतरीन ताबीर वही होती है जो इंसान खुद अपने ख्वाब की कर सकता है। बलिल इंसान वाला नफसी ही बसीरा, कि इंसान अपने आप से खुद खूब आगाह है कि ये ख्वाब शैतान का वसवसा था, या ये ख्वाब मेरे दिल की मर्जी को पूरी नजर आती है इसमें, या बिल्कुल ही कोई अनयूजुअल चीज है। अमूमन सच्चा ख्वाब की अलामत क्या होती है कि बिल्कुल कोई ऐसी चीज देखना जो आपके वहमो गुमान में ही ना हो, और जो बातें वहमो गुमान में है वो फिर गुमान आपका वहां हकीकत बन जाएगा। इसमें जो बेहतरीन किताब है वो इब्न सीरीन की है, इब्न सीरीन की ताबीर और रुया। अगर कोई ख्वाब बुरा हो तो क्या उससे भी हम मुस्तकबिल के किसी खतरे को भांप सकते हैं? जी हाँ, कोई वार्निंग हो सकती है उस ख्वाब में, वो आप खुद ही बेहतर जानते हैं। अच्छा, एक और चीज, बास ख्वाब बीमारी होते हैं, एक ही ख्वाब बार बार आ रहा है, ये नफ्सियाती बीमारी या जहनी बीमारी की अलामत होते हैं, इसलिए उसका इलाज होना चाहिए और होम्योपैथिक में उसका इलाज मौजूद है। और बस होम्योपैथ इलाज ही ख्वाब से शुरू करते हैं कि आपको ख्वाब कैसे आते हैं। तो वो मरीज बताता है मुझे पानी बहुत नजर आता है, मुझे आग नजर आती है, मुझे ये चीज नजर आती, तो वो चूंकि रूह पर दवा असर करती है तो रूहानी इलाज ही की एक किस्म हो जाती है। ये लिखती है कि मुझे पहले बहुत बुरे ख्वाब आते थे, जब से मैंने हाजत के नफल पढ़े ऐसा बंद हो गया। अगर किसी के साथ भी ऐसा मसला हो तो बहुत डरावने ख्वाब आते हो तो आयतुल कुर्सी पढ़कर सोए और हाजत के नफल पढ़े, इंशाल्लाह फायदा होगा। जब इंसान ख्वाब में किसी जिंदा की रूह से मिले और वो उससे जानता भी हो तो क्या वो अगला बंदा जिसको ख्वाब में देखा हो उससे रूह मिली तो क्या हम अगले बंदे के ख्वाब में हम आएंगे या नहीं? जरूरी नहीं कि आप भी उसके ख्वाब में आए। बाज़ोकत आयतुल कुर्सी पढ़ने के बावजूद भी डरावना ख्वाब आ जाता है तो उसकी क्या वजह होती है? उसमें आप देखें कि बाज़ों का दरवाजा बंद करने के बावजूद भी चोर आ जाता है, तो इसकी यही वजह हो सकती। पिछले दिनों कुछ पर्चे बांटे गए जिसमें लिखा था कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा, हम सबको वार्न कर रहे थे कि लोग नमाज नहीं पढ़ते, औरतें पर्दा नहीं करती वगैरह वगैरह, और इसके 19 पर्चे छाप के बांट दो।